नमस्कार बंधुगण लास्ट मार्कर यूट्यूब चैनल पक्ष के सकल के स्वागत जाना और एक नतून भिडियोते आजकल भिडियोते जेने नब 2015 साल उच्च माध्यमिक न्यूट्रिशन परीक्षा से सकल एसएक्यू अर्थात शॉर्ट क्वेश्चनगुलो सेगुलर बेपारे और साथे साथ डिटेल अन्सारगलो देखे नेब और एक कथा रखी तुम्हारा अन्सार स्क्रिप्ट जो चाओ अवश्य इन्स्टाग्रामे फलो करो और सेखने एक मेसेज कर दिव जो तुम्हारे अन्सारगलो चाहिए फार्दार बोले देव क्यों क्य करते हैं देखो अन्सारगलो खूब ही अथेंटिक पश्चिमबंग मध्यशिक्षा पर्षदे अफिसियल अन्सार की थी क्यों एगुलो नेवा सूतरा ये एक भिडियो भिडियोटार माध्यम तुम्हारा एक प्रपार आइडिया पे जा बोर्ड एक्सामे कि कोश्चन आसते परे रकम भाव उत्तर लिखले फुल मार्क्स पा जो पे बोझा गया है तई भिडियो बिना स्किप कर पुरोटा देखते थको और चैने नतून हम अवश्य सबसक्राइब कर दिव और पशे थका बेल आइकन प्रेस करल नोटिफिकेशन अन कर दिव तई और देरी ना चलो शुरू करा जा देखो एक नम्बर जो रही है प्रथम आलो आंधारी परीक्षा सम्बन्धे कि जानो आलो थेके आंधारे आसले कतटा समयेर मध्य स्वाभाविक दृष्टिशक्ति फिरे आसे ता निर्भर करे व्यक्तिर भिटामिन ए एर दैहिक परिमाणेर उपर अभावहीन व्यक्तिर दृष्टिशक्ति 15-20 मिनिटेर मध्य स्वाभाविक हय अन्यथाय बेशी समय प्रयोजन हय भिटामिन ए एर दैहिक अभावेर ए सहज परिमापक परीक्षा हलो आलो आंधारी परीक्षा एर साथे एकटा अथवा कोश्चन रयेछे देखो केराटोमेलासिया कि ना खाद्ये दीर्घदिन धरे भिटामिन ए एर अभाव घटले नेत्रावर्तकला और चोखेर मनिटर जदि उपयुक्त चिकित्सा ना है ताहले जे अवस्थार सृष्टि है ताके बला है केराटोमेलासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है देखो घरोया सहज पद्धति बिना खरचे कौन खाद्यर पुष्टिमूल्य कौन पद्धति बृद्धि करा सम्भव ना फार्मेंटेशन बा सन्धानीकरण अथवा अंकुरोद्गम पद्धति द्वारा। नेक्स्ट रही है देखो एसएनपी एर सम्पूर्ण रूपटी की ना स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एर ही साथे एक अथवा क्वेश्चन रही है देखो अनुपूरक खाद्य बोलते कि बोझो ना जे सब मानुषेर अनुमोदित खाद्य ग्रहण दैनिक खाद्य ग्रहण परिमाणेर मध्य एक फाराक थेके जाए तारा सकले अपुष्टिर शिकार होये थाके जे खाद्य दिए ये घाटती पूरण करा हय ताके अनुपूरक खाद्य बोले। उदाहरण हिसेबे आमरा बोलते ही पारी देखो शिशुदेर 6 मासेर पर बदली खाद्य देवा हय मातृदुग्धेर घाटती पूरणेर जन्य। नेक्स्ट रयेछे देखो जिओआर एर सम्पूर्ण रूपटी लेखो ना गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स एर साथेई एकटा अथवा क्वेश्चन रयेछे देखो शिशुर मस्तिष्क विकाशे सहायक कोन अमाइनो एसिडटी कोलेस्ट्रामे बेशी थाके ना ट्रिप्टोफैन। तारपर रयेछे देखो आर्थोटाइक्रिसाइल फसफेट बा टीसीपी कौन खाद्य भेजाल हिसाब से मिश्रित है ना सर्षे तेले। नेक्स्ट रही है देखो देहे कौन प्रकार खाद्य थे सब चे बेसि एसडीए पावा जाए ना प्रोटीन समृद्ध खाद्य थे एर ही साथ अथवा क्वेश्चन रही है देखो आईसीएमआर अनुसार रेफारेंस ह्यूमैनर बयस उच्चता कत ना रेफारेंस ह्यूमैनर बयस हे 18-29 बचर ए उच्चता 1.60 मीटर। नेक्स्ट रही है देखो अमिनो एसिड भंडार बोलते कि बोझो ना विभिन्न प्रकार अमिनो एसिड उत्पादने और ओई अमिनो एसिडर कार्यवलिर पर जे परिमाण अमिनो एसिडे रक्त संचित थाके ताके अमिनो एसिड भंडार बला हय एई भंडारेर मान होच्छे आमादेर 32-36 मिलीग्राम बोझा गेछे। नेक्स्ट एर साथे एकटा अथवा क्वेश्चन रयेछे देखो अपरिहार्य अमिनो एसिड काके बोले ना जे सकल अमिनो एसिड देहेर पक्षे अपरिहार्य किन्तु देहे संश्लेषित हय ना बाइरे थेके खाद्येर माध्यमे आमादेरके सेगुलो ग्रहण करते हय এই সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের নাম হচ্ছে আমাদের অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড। উদাহরণ হিসেবে দেখে নাও ট্রিপটোফ্যান ফিনাইল অ্যালানিন। নেক্সট রয়েছে দেখো ফলিত পুষ্টি প্রকল্প কত সালে চালু হয় 1959-1960 সালে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রকল্পটি চালু হয়। তারপর দেখো 9 নম্বর কোশ্চেনটা রয়েছে বাণিজ্যিক ওআরএস এ সোডিয়াম বাইকার্বনেটের পরিমাণ কত না 2.5 গ্রাম। এরই সাথে একটা অথবা রয়েছে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে ওআরএস তৈরি করবে না 1 লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জলে फुटिए ठंडा करते हबे ताते एक मुठो चीनी माने 20 ग्राम मतो एवं 2 चामच नून माने एनएसीएल जेटा घरोया लवण जेटा एवं 1 चिमटे सोडियम बाइकार्बोनेट बा कोयेक फोंटा पातिलेबुर रस मेशाले तैरी हो जाबे घरोया ओआरएस। एर परे देखो अस्थिमज्जार त्रुटिर कारणे कोन प्रकार रक्ताल्पता देखा जाए ना एप्लास्टिक एनिमिया। तारपरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1500 किलोक्यालोरी तापशक्तिर जन्य कत ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रयोजन ना देखो 375 ग्राम। তারপরের কোশ্চেন রয়েছে দেখো এফটিটি কি এফটিটি হলো ফেলিয়র টু থ্রাইভ অর্থাৎ শিশুর ত্রুটিপূর্ণ আহার জনিত বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা। নেক্সট কোশ্চেনটা দেখে নাও প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিএমআর কত শতাংশ বৃদ্ধি পায় না 12-13% বৃদ্ধি পায়। এর সাথে একটা অথবা কোশ্চেন রয়েছে দেখো দীর্ঘমেয়াদী জ্বর কাকে বলে না যে জ্বর কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস স্থায়ী হতে পারে তাদেরকে বলা হয় দীর্ঘমেয়াদী জ্বর যেমন টাইফয়েড যক্ষা ক্যান্সার ইত্যাদি বোঝা গেছে। নেক্সট বা আমাদের শেষ কোশ্চেন যেটা রয়েছে দুটি দুগ্ধ প্রোটিন এবং দুটি অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডের নাম লেখো। দুগ্ধ প্রোটিন হলো দেখো ল্যাকটো অ্যালবুমিন এবং ল্যাকটোগ্লোবিউলিন আর দুটি অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড হলো দেখো লিনোলেইক অ্যাসিড এবং লিনোলেনিক অ্যাসিড। সো এই যে কোশ্চেনগুলো এগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন ভালোভাবে প্রিপেয়ার করো
বোঝা গেছে। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত রাখলাম, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ধন্যবাদ।